भाई सो कैसे आप सब सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। भाई लोगों, क्रोम ब्राउजर के ऊपर हमें एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये काफी लोगों के पास है और काफी लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो सॉल्व करना चाहती हैं। यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, जो कि दिस साइड कैन नॉट बी रीच्ड की प्रॉब्लम है। लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे गौर करना है, जहां पर आपको देखने को मिलता है उस वेबसाइट का नाम, जो चीज आपने सर्च की, उसके बाद आपको यहां पर जो है टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड ट्राई चेकिंग द कनेक्शन। वो कह रहा है कि अपना इंटरनेट चेक कर ले, अपना जो कनेक्शन, जो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो वर्क कर रहा है, क्या वो काम कर रहा है। तो आप लोगों ने चेक करने के लिए, आपको पता ही कि आपने चेक कर ही लिया होगा, जो वीडियो देख ली है इस पे इंटरनेट चल रहा है, तो वो क्यों यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है। तो सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर ही बताऊंगा और आपने बिल्कुल इसको लास्ट तक देखना है। अब हमें करना यहाँ पर इतना ही है कि दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर बैक आ जाना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर यहाँ पर बैक आना है, तो क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे, यहां पर मैं कोई भी अगर वेबसाइट को मतलब सर्च करता हूं, मान लो यहां पर जब मैं अपने मतलब यहां पर जो टिकटॉक का नाम ही सर्च करता हूं, यहां पर मेरे पास ये टिकटॉक है, ठीक है। यहां पर कोई भी यहां पर वेबसाइट आती है, मैं कोई भी वेबसाइट को ओपन करता हूं, डायरेक्टली मेरे पास वो वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है, साइट जो है वो ओपन हो रही है। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना मसला ये आता है कि जब आपको कोई कोई वेबसाइट्स के ऊपर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अगर तो आपको ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो सॉल्व होगी और ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक या दो वेबसाइट पर कभी आ जाती है, कभी नहीं आती, तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है? आपने जाना है दोस्तों, आपने यहां पर साइड पर क्लिक करना है, सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और हाँ दोस्तों, यहां पर ये साइट पर तब प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब वो जो जिसकी साइट होती है उसने ये बंद कर दी होती है, तब ये ओपन नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रिक भी कोई काम नहीं करती, लेकिन ये सेटिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे ये बिल्कुल 100% काम करेगी। अब आपने करना क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आके दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जब एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज सिक्योर DNS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने चूज पे क्लिक कर रखा है, आपका यहाँ पर क्लिक होगा यूज योर करंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इस पर क्लिक होगा। लेकिन आपने चूज एन अदर प्रोवाइडर पे आपने क्लिक करके यहाँ पर जहां पर नीचे आइकन देखने को मिला, जहां पर मुझे ओपन DNS का ऑप्शन देखने को मिला, यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके आपने ओपन DNS के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, बैक जाओगे, किसी उसका आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और साथ साथ दोस्तों, ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि तब आती है जब उस बंदे ने वो वेबसाइट, वो साइट जो है वो बंद कर दी होती है, उसकी तरफ से ये बंद हो जाती है और आपके पास भी जाहली बात ये ओपन नहीं होती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। बाकी आपके जहन में आपको समझ आ चुकी होगी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, लेकिन ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई इससे सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वहां से ऑफिशियली बंद कर दी जाती है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ।